अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे के किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के नजरिए से आज सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय आज शाम तक आ जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चुनावी क्षेत्र में वागले स्टेट परिसर के नैनेश्वर नगर के इलाके में एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन के निर्णय को देखते हुए शिंदे गुट के पूर्व पार्षद एकनाथ भोईर के माध्यम से आज महाआरती का आयोजन किया गया था। इस आरती में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर महाआरती की और कहा कि आज निर्णय हमारे बाजू से लगे। इसको लेकर गणेश जी के सामने पूजा भी की गई है। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों के हित के लिए 40 विधायकों को लेकर सत्ता स्थापना की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ठाणे नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एकनाथ भोईर शिंदे गुट के पूर्व पार्षद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। गणेश जी के दैवत है और उनको हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे हम लोग सब वार्ड के पदाधिकारी है, हमारे सब सहयोगी हैं, यहाँ पे आए हैं। गणेश जी को हम लोग नमन किया और महाआरती किया। तो ये भगवान अच्छी बुद्धि ये अध्यक्ष को दे, और ये जो निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इनके बाजू में लग जाए। क्यों? तो ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने देखा है, लोगों में जनसामान्य की व्यथा जानने वाले मुख्यमंत्री है, और वो व्यथा उनको जनसामान्य का काम करने के लिए बल बुद्धि उनको आशीर्वाद दे, इसीलिए हम लोग यहाँ मार। राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री की भेंट पर जो है विरोधी लगातार आरोप कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन से पहले किस तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते, और इस पर आरोप भी हो रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग की तरह इसको देखा जा सकता है। नहीं नहीं, देखो राहुल नार्वेकर साहब और मुख्यमंत्री साहब, इनकी भेंट किस वजह से हुई है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। नार्वेकर साहब भी जो पद पे बैठे हुए हैं, वो न्याय के कुर्सी पे बैठे हुए, वो न्याय देंगे, और न्याय ये शिंदे साहब के बाजू में होगा, ये सब जनता को मालूम है। इसके लिए विरोधी को पास कुछ बचा नहीं है। जैसे कहते हैं, अगर नाचने को नहीं आता है तो वो जगह जो आंगन बोला जाता है वो भी टेढ़ा हो जाता है। इसीलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये क्या मुद्दा लेके आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री का चुनावी क्षेत्र है, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पीठे थाने के लोग हमेशा खड़े थे, तो क्या इस निर्णय के बाद भी जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ने की कोशिश करेंगे? आना नहीं तो पूरा महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे साहब के पीछे खड़े है, क्योंकि तो जनसामान्य के मुख्यमंत्री है, जनसामान्य के न्याय देने वाले मुख्यमंत्री है, शेतकड़ी के है, सभी के जो दुर्बल घटक है उनके प्रति न्याय देने वाले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने देखा है, तो एकनाथ शिंदे साहब के रूप में देखा है। ठीक है, थैंक यू।